हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना जायसवाल रेसिपी। आपके लिए मैं लेकर आई हूँ सूजी की जलेबी। बिल्कुल हलवाई कभी भी नहीं बनाते हैं, ना ही आपको मार्केट में कहीं मिलेगा, तो ये बिल्कुल ही न्यू रेसिपी है। और आप जब ये बनाकर टेस्ट करेंगे तो आप डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे कि जो मैदे की जलेबी मिलती है और ये सूजी की, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए हम ये बनाना स्टार्ट करते हैं। सूजी की जलेबी बनाने के लिए हम यहाँ पर मोटा रवा लिए हैं, जो नॉर्मल रवा होता है अपने हलवा बनाते हैं, वो लिया है आधा कप। और इसे बाइंडिंग देने के लिए हमने 1/3 कप मैदा लिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैदा डालने से ये होता है कि जब आप जलेबी बनाएंगे तो उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और पकड़ भी बनेगा। तो यहीं पर अब इसे हम फर्मेंटेशन देने के लिए हम 1/2 कप दही लेंगे। दही ना तो ज़्यादा मीठा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा खट्टा होना चाहिए। तो इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़े थोड़े पानी को ऐड करेंगे। तो पानी भी हम करीब 1/4 के करीब लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल जो होता है, बैटर बिल्कुल हम इडली की तरह बना लेंगे। इडली हम बनाते हैं सूजी का, उसी तरह का इसका घोल बन जाना चाहिए। मार्केट में नहीं मिलेगी हल, तो आप ये जलेबी को ज़रूर बनाएं। बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल ही डिफरेंट होता है और ईजीली बन जाता है। आपको रात में फर्मेंटेशन करने के लिए रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दही जो हमने लिया है वो बहुत खट्टा नहीं लेना चाहिए और ना ही मीठा होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर का दही होना चाहिए और उसे हम इसमें सूजी में डालते हैं। तो ये भी थोड़ा सा गाढ़ा और है, तो थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं। तो मेरे ख्याल से 1/2 कप के करीब पानी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया है, क्योंकि ये सूजी अभी मैं इसको 1/2 घंटे के लिए रखूँगी तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस तरह अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसे हम ढक कर रख देते हैं, सूजी को 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करने देते हैं। चाशनी बनाने के लिए एक पैन ले लेते हैं। पैन में हम 1 कप चीनी लिए हैं और चीनी बहुत ही साफ है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको चाशनी बनाने में, क्योंकि चीनी अगर गंदी होती है तो उसकी पहले सफाई की जाती है। तो यहीं पर हम 1/2 कप के करीब पानी ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से घुलने देते हैं पानी के अंदर सारे चीनी को। 1 मिनट के लिए ये टाइम लगेगा इसे घुलने में, तो हम इसे घुलने देते हैं। अब आप देखेंगे चीनी अच्छी तरह से इसके अंदर घुल गया है, बहुत सारे बबल्स आने लगे हैं और चीनी भी बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो हमें इस समय चीनी की सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पर अब हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा, ये फूड कलर है, ऑप्शनल है, मगर ये डालेंगे तो जलेबी अच्छी लगेगी, ऑरेंज कलर है। और अगर आपके पास केसर हो तो केसर आप डाल सकते हैं। साथ में यहाँ पर 4 इलायची को छीलकर हमने अच्छी तरह से बना लिया है इसका पाउडर और उसे हमने डाल दिया है। तो अब हमें क्या करना है कि चाशनी को कम से कम 2 मिनट के लिए इसे हमें बॉईल करना है। और मैं बता देती हूँ कि आप चेक कर लेना बीच में, 2 मिनट के अंदर भी चेक कर सकते हैं कि जैसे इस तरह आप देखेंगे तो ये आपको चिपचिपी लगनी चाहिए, जैसे आपने हनी होता है शहद उस तरह ये चिपचिपी होनी चाहिए। तो ये अभी चिपचिपी नहीं है, तो मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पर वेट कर लेती हूँ। तो 1 मिनट के बाद हम देख रहे हैं कि ये चाशनी बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसकी चिपचिपाहट इसके अंदर आई कि नहीं आई। बिल्कुल आ गई है। तो अब हम यहीं पर गैस को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि ये जब थोड़ी ठंडी होती है, हल्की सी ठंडी रहेगी तो है ना और जम जाएगी। तो अब हम गैस को ऑफ करके इसे साइड में रख देते हैं। तो 1/2 घंटे के करीब हमने सूजी को रख दिया था, तो उसे हटा कर देख लेते हैं लिड को। तो यहाँ पर इसे हम चला कर देखते हैं, आपको दिख रहा होगा ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। थोड़ा सा यहाँ पर हम पानी को ऐड कर देते हैं और वापस चला लेते हैं। सूजी को अच्छी तरह से फेंट लिया है, तो इस तरह की देखिएगा आप कंसिस्टेंसी होनी चाहिए।
तो यहीं पर अब हम ऐड करेंगे 2 पिंच के करीब सोडा है, खाने वाला सोडा है। ये क्या काम करेगा, सूजी को जलेबी को फुलाने का काम करेगा। तो इसे हम यहाँ पर डालकर मिक्स कर लेते हैं। और साथ में यहाँ पर हम बेकिंग पाउडर लिए हैं 1/4 टेबल स्पून, और इसे भी ऐड कर देते हैं। ये क्रिस्पी बनाने के काम आएगा, तो आपकी जलेबी फूलेगी और फिर ये क्रिस्पी होगी इन दोनों से, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा से। तो अब आप देख लेंगे इस तरह, जैसे आप डालेंगे तो आप देखेंगे फर्मेंटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी रखना है। अब यहीं पर हम थोड़ा सा कलर ऐड कर देते हैं, फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर हमने डाला है, जिससे कि जलेबी का जब कलर है बहुत ही अच्छा शानदार लगेगा। मेरे पास ये बैग है, ये जिप लॉक बैग होता है वो है ये, तो मैं आज इसके अंदर आपको बताऊंगी। अगर आपके पास दूध की थैली हो तो उसके अंदर भी आप बना सकते हैं, नहीं तो आपके पास सॉस की बॉटल हो तो उसमें भी आप डालकर बना सकते हैं। मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बनाई हैं, उसमें बता रखा कि कैसे बनाते हैं। इस तरह आप कोन को ग्लास के अंदर डाल दें और ये जो हमने बैटर रखा था उसको इसके अंदर डालते हैं। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरह की होनी चाहिए कंसिस्टेंसी, फॉलिंग कंसिस्टेंसी। और इसे अब हम डाल लेते हैं, और अब इसे हम इस तरह करते हुए फोल्ड करते हुए देखिए, इसे यहाँ पर एक रबड़ बैंड की हेल्प से इसे बंद कर देते हैं, जिससे कि इधर आपका दूसरे साइड से ये जो बैटर है जलेबी का नहीं निकलेगा। तो इस तरह की देखिएगा आपकी पॉलिथीन, ये बिल्कुल बन गई है। अब इसे हम कट कर लेते हैं आगे से, तो आप अपने अकॉर्डिंग कट कर लें, जितना भी आपको बड़ा छोटा चाहिए उस अकॉर्डिंग कट कर लेते हैं। और चलते हैं हम पैन की ओर। तो यहाँ पैन में हमने घी डाल दिया है और उसे गर्म कर लिया है, तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। तो इसके अंदर अब हम एक एक करके जलेबी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप इजीली इसके अंदर इस तरह जलेबी बना सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी बड़ा साइज जैसा भी आपको बनाना है आप उस अकॉर्डिंग बना सकते हैं। फ्लेम को यहाँ पर स्लो रखेंगे और आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली नीचे से जो पैन से वो छोड़ देगा और ऊपर ये जलेबियाँ तैरने लगेंगी। फिर हम इसे टर्न करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि जलेबियाँ ऊपर आ गई है, तो इसे अब हम टर्न कर लेते हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से आप टर्न करते जाएं। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनती है ये जलेबी, और इसे इसी तरह ही हम थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेते हैं। क्रिस्पी तो ऑलरेडी ये हो जाएगा जब हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, और सूजी से तो ऑलरेडी क्रिस्पी हो ही जाता है ये। तो सारी जलेबियाँ हो गई है, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। आप देखेंगे इस तरह ये जलेबियाँ हो गई है, बहुत ही प्यारा कलर आया है। तो इसे एक जाली में हम निकाल लेते हैं सारा, और चाशनी को हमने गुनगुना कर लिया है। ठंडी चाशनी में आपको जलेबी बिल्कुल नहीं डालनी है, तो हल्का सा गर्म होना चाहिए ये। तो इस तरह अब हम सारी जलेबियों को निकाल लिए हैं और अब हम इसे चाशनी में डाल देते हैं। तो हमने यहाँ चाशनी को गुनगुना कर लिया है, तो इसके अंदर अब हम जलेबियों को डाल देते हैं। जलेबियों का जो कलर है, शेप है, आप देखोगे कितना ऑसम लग रहा है, बहुत ही शानदार लग रहा है। तो इस तरह जलेबियों को हम कम से कम 1 मिनट के लिए इसके अंदर डूबे हुए रहने देते हैं, और इस तरह 1-2 बार इसे पलट देते हैं, जिससे कि चाशनी जो होती है जलेबी के अंदर पूरी अच्छी तरह से चली जाए। तो 1 मिनट हो गया है, अब सारी जलेबियों को निकाल लेते हैं। इस तरह प्लेट के अंदर आप निकालें, पूरी जलेबी के अंदर चाशनी आपको दिख रही होगी, पूरी रसीली टाइप की। तो
फ्रेंड्स, आप इस जलेबी को, सूजी की जलेबी को जो आप देख रहे हैं, तो बनाएंगे भी ज़रूर और मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपने बनाया तो कैसे बनाया, कैसा बना, आपका टेस्ट, क्या क्या प्रॉब्लम आई आपको। तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। तो चलते हैं, जब तक मैं दूसरी तरफ एक बार और जलेबी बनाकर बता देती हूँ। इस पर थोड़ी सी गार्निशिंग हम पिस्ता से कर देते हैं। अगर आपके पास पिस्ता हो तो उससे गार्निशिंग कर ले। तो गाइस, आप प्लीज़ इसे एक बार बनाएं, देखे नहीं बनाकर और कमेंट कर मेरे को बताएं कि अगर आपने बनाया है तो कैसा था टेस्ट। और मैं आपको यहाँ पर इसकी क्रिस्पीनेस जो होती है वो मैं दिखा देती हूँ। तो आप देखेंगे ये जलेबी, और इसको मैं तोड़कर दिखा देती हूँ। अंदर देखेंगे कितना इसके अंदर जूस है, जूसी बिल्कुल दिख रहा है इसके अंदर। तो रस जो होता है वो अंदर बिल्कुल अंदर तक चला गया है और बहुत ही क्रिस्पी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, सूजी की जलेबी अच्छी लगे, तो लाइक तो एक बनता ही है, लाइक ज़रूर करें। और पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो कमेंट करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग। बाय।